अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर ने एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैंने आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक मालूमती और इन्फॉर्मेटिक जो है वीडियो बनाई है। दोस्तों मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस बताए हैं, फ़र्क बताए हैं, तो आज मैं हम लोग के लिए एक और जो है फ्लोर रेलिवेंट जो है यानी आटा जो मुख्य किस्म के होते हैं उस रेलिवेंट एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी फाइन फ्लोर मैदा जिसे कहते हैं उसके अंदर क्या फ़र्क है, और जो केक फ्लोर है उसमें क्या फ़र्क है, या सेल्फ रेजिंग जो फ्लोर होता है उसमें क्या फ़र्क है, जब आप बेकिंग करते हैं तो बेकिंग जो रेसिपीज होती है उसके अंदर मेंशन होता है मुख्य किस्म के नाम से, कभी केक फ्लोर, कभी सेल्फ रेजिंग फ्लोर के मतलब, और कभी फाइन फ्लोर, कभी ऑल पर्पज़ फ्लोर या मैदा के हवाले से। तो आप कंफ्यूज होते हैं, आपको नहीं पता लगता कि कौन सी रेसिपी के लिए कौन सी जो है हम आटा यूज़ करेंगे, कौन सा मैदा यूज़ करेंगे, कौन सा हम फ्लोर यूज़ करेंगे। तो मैं आज तीनों का आपको डिटेल के साथ फर्क भी बताऊंगा। तो मैं ऑलरेडी आपको जो है केक फ्लोर की रेसिपी और सेल्फ रेजिंग फ्लोर की भी रेसिपी दे चुका हूँ, तो आप सर्च के अंदर जाके केक फ्लोर बाई जॉली अजीम ऑल पर्पज़ फ्लोर वर्सेज सिंपल फाइन फ्लोर या होल वेट फ्लोर लेकर भी सर्च कर सकते हैं बाई जॉली अजीम। और अगर आपने सेल्फ रेजिंग फ्लोर की रेसिपी लेनी है वो कैसे बनाते हैं तो उसकी भी रेसिपी आपको मिल जाएगी, जस्ट आपने सर्च बॉक्स के अंदर जाकर सेल्फ रेजिंग फ्लोर बाई जॉली अजीम लिखिएगा तो वो आपको उसकी भी रेसिपी मिल जाएगी। चलो दोस्तों शुरू करते हैं, मैं आपको उसकी डिटेल फ़र्क बताता हूँ जो फाइन फ्लोर हो गया है हमारे जो केक फ्लोर है और सेल्फ रेजिंग फ्लोर है उसके मतलब। चलें दोस्तों शुरू करते हैं, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि केक फ्लोर में क्या फ़र्क है, सेल्फ राइजिंग फ्लोर में क्या फ़र्क है, और जो सिंपल फाइन फ्लोर या ऑल पर्पज़ फ्लोर होता है उसमें क्या फ़र्क है। ये तीनों मैंने सेम कप के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे टैगिंग करके रखी हुई। ये हमारा केक फ्लोर है जो फर्स्ट कप के अंदर पड़ा हुआ, ये केक फ्लोर है, और ये सेल्फ राइजिंग जो है फ्लोर है, और जो लास्ट में ये ऑल पर्पज़ फ्लोर या फाइन फ्लोर या सिंपल मैदा जिसे कहते हैं ये फ्लोर है। और दोस्तों ये डिफरेंट किस्म के जो है बेकिंग आइटम हैं, तो जब आप रेसिपी बनाते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मेंशन होता है केक फ्लोर, सेल्फ रेजिंग फ्लोर या जो है मैदा। मैं आपको सारे जो है इनके डिफरेंट भी बताऊंगा, सिंपल जो है मैदा उसके अंदर क्या फ़र्क है, और जो सेल्फ रेजिंग फ्लोर है उसमें क्या फ़र्क है, और केक फ्लोर में क्या फ़र्क है। दोस्तों जो मेन हम डिस्कस करेंगे, ये देखिए ये सिंपल मैदा, ये थोड़ा भुरभुरा होगा और इतना ज़्यादा ये जो है फाइन फील नहीं होता, और जो केक फ्लोर होता है वो बहुत फाइन फील होता है और बहुत स्मूथ लगता है जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम जो डिफरेंट जो है सिंपल वाला जो फाइन फ्लोर है और केक फ्लोर के अंदर जो है फ़र्क बताऊँगा मैं आपको। दोनों में बहुत फ़र्क होता है, जो आपका ऑल पर्पज़ फ्लोर होता है यानी मैदा होता है इसके अंदर 18-20% जो है प्रोटीन होती हैं, और जो फाइन जो केक फ्लोर होता है इसके अंदर आपका जो 8-10% के करीब जो है प्रोटीन्स होती है। दोनों में ग्लूटेन का फ़र्क होता है, ग्लूटेन जब आप ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो आपको च्यूई नज़र आती है, तो ब्रेड के अंदर ज़्यादातर जो मैदा इस्तेमाल होता है यानी फाइन फ्लोर इस्तेमाल होता है, ऑल पर्पज़ फ्लोर इस्तेमाल होता है। जो हमारा फाइन फ्लोर या ऑल पर्पज़ फ्लोर है इससे हर तरह की चीज़ बनती है, केक भी, पेस्ट्री भी और ब्रेड भी, लेकिन ज़्यादातर ऑल पर्पज़ फ्लोर जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे इसके अंदर यीस्ट शामिल करके या बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर शामिल करके ब्रेड नान वगैरह बनाया जाता है इससे ज़्यादा। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन जब हम आटे को गूंथते हैं बहुत ज़्यादा तो उसके अंदर ग्लूटेन जो है एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो ब्रेड च्यूई बनती है, जब उसे आप चबाते हैं तो वो आपको फीलिंग होती है स्टिकी सी। लेकिन जब दोस्तों हम केक खाते हैं उसके अंदर केक फ्लोर होता है वो हमें हवादार, दानेदार और ज़्यादा भुरभुरा फील होता है और लाइट फील होती है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया मेन डिफरेंस जो इसके अंदर है केक फ्लोर में और जो ऑल पर्पज़ फ्लोर या फाइन फ्लोर है, इसके अंदर जो मेन फ़र्क है मैंने आपको बता दिया है, प्रोटीन्स का फ़र्क होता है, ग्लूटेन का फ़र्क होता है। तो अब आते हैं हम केक फ्लोर की तरफ। दोस्तों जैसे मैंने आपको इसका इस्तेमाल बता दिया ऑल पर्पज़ फ्लोर का, अब मैं आपको केक फ्लोर का इस्तेमाल बताता हूँ। और दोस्तों मुख्तलिफ डिशेज़ के अंदर ये जो आपका केक फ्लोर है मेंशन किया होता है इसके अंदर कॉर्न स्टार्च शामिल होता है या कॉर्न फ्लोर मिक्स किया होता है, मुख्तलिफ फ्लेवर भी यूज़ करते हैं, कस्टर्ड पाउडर भी इसमें यूज़ करते हैं, कस्टर्ड पाउडर जो फ्लेवर होता है स्ट्रॉबेरी वाला, वनीला वाला। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बता दिया है जो केक फ्लोर है आपका मुख्तलिफ अच्छी क्वालिटी के जो सॉफ्ट केक होते हैं बनाने में यूज़ होता है, और स्पेशल रेसिपी के अंदर मेंशन भी होता है इसके अंदर कॉर्न स्टार्च या कस्टर्ड पाउडर या कॉर्न फ्लोर मिक्स हुआ होता है।
और जो ऑल पर्पज फ्लोर है वो बिल्कुल सिंपल होता है। चलें दोस्तों अब आते हैं ये सेल्फ राइजिंग फ्लोर की तरफ। दोस्तों इसके अंदर बेसिकली बेकिंग सोडा यूज़ होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या आपका बेकिंग पाउडर यूज़ होता है। तो मैंने आपको इसकी रेसिपी भी दी हुई है, तो इसकी रेशो यही है 1 कप के अंदर 1 टेबलस्पून से 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर यूज़ होता है या 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा यूज़ होता है। तो ये आपका सेल्फ रेजिंग फ्लोर बन जाता है। जब आपका किसी भी रेसिपी के अंदर सेल्फ रेजिंग फ्लोर लिखा होता है तो इट्स मीन कि इसमें ऑलरेडी सोडा शामिल होता है या बेकिंग पाउडर शामिल होता है, तो हमें ये अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी तरह आप इससे जो है केक बना सकते हैं, पेस्ट्री वगैरह बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नान बना सकते हैं इजीली। तो इसके भी काफ़ी ज़्यादा मकासद है जो हम इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों किस्म के जो फ्लोर होते हैं इसका जो फ़र्क पता लग गया होगा। तो मार्केट में ईजीली ये तीनों अवेलेबल हैं, अगर ना मिले तो आप घर के अंदर भी बना सकते हैं, मैंने आपको इसे बनाना सिखा दिया हुआ है। चलिए मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको केक फ्लोर में, सेल्फ रेजिंग फ्लोर में और ऑल पर्पज फ्लोर में फ़र्क बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। इसके मैंने आपको बेनिफिट्स भी बता दिए कि इसके क्या फ़ायदे हैं और कैसे इसे इस्तेमाल किया जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। दोस्तों अगर आपका मजीद कोई सवाल है केक फ्लोर के हवाले से, सेल्फ रेजिंग फ्लोर हवाले से या ऑल पर्पज फाइन फ्लोर के हवाले से, तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर क्यूरी कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका जरूर गाइड दूंगा। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाजत दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।